मोटिव इलेक्ट्रिक लिमिटेड के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहित राय गोयल और आज हम सीखने वाले हैं कि मोटिव के M7G DOL ऑटो स्विच के कनेक्शन कैसे किए जाते हैं। तो M7G मोटिव का सबसे ज्यादा बिकने वाला और सबसे ज्यादा पसंदीदा कस्टमर का सबसे ज्यादा पसंदीदा ऑटो स्विच है। ये ऑटो स्विच बना है तमाम DOL मोटर के स्टार्टर्स के लिए, चाहे आपका कोई भी स्टार्टर हो, कोई भी पैनल हो, हर DOL पैनल में, हर स्टार्टर में M7G से आप संपूर्ण सुरक्षा अपने मोटर को दे सकते हैं। तो ये है M7G मोटिव का, इसमें आप देख सकते हैं ये M7G DOL लिखा हुआ है। और इस वीडियो में मैं आपको कनेक्शन कैसे करते हैं और M7G की सारी खास बातें बताने वाला हूं, जिससे कि आपकी मोटर हमेशा सुरक्षित रहे। तो ये है M7G, ये है 2400 वोल्ट के स्टार्टर के लिए और इसमें 7 तारे होती हैं और इसका ऑन टाइम डिले है 30 सेकेंड, यानी कि जब इसको ऑन करेंगे तो ये 30 सेकेंड की डिले के बाद 1, 2, 3 30 तक गिनेंगे, उसके बाद ही ऑन होगा। तो ये है M7G का डब्बा, इसको अगर हम खोलते हैं तो इसमें दिया हुआ है एक कनेक्शन डायग्राम, जिसको पढ़ के भी आप सारे कनेक्शन कर सकते हैं और इसमें सारी इंस्ट्रक्शंस भी दी हुई हैं। इसमें अलग अलग स्टार्टर और पैनल्स के दिए गए हैं कनेक्शन डायग्राम, आपका जैसा भी स्टार्टर हो या पैनल हो आप इसको देख के कनेक्शन कर सकते हैं। तो ये है मोटिव का M7G, ये आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है SPP, यानी कि मोटिव का M7G ऑटो स्विच। इसमें दिए गए हैं 4 इंडिकेशन, जो कि मैं आपको इसकी खास बातें समझाता हूँ। मोटिव M7G के कई सारे फायदे हैं, 5 फायदे। नंबर 1, ये आपकी मोटर को वोल्टेज अनबैलेंस से बचाता है। नंबर 2, अगर आपके फेज उल्टे हो जाते हैं, ये RYB को YBR हो जाता है, तो तुरंत आपकी मोटर को उल्टे चक्की घूमने से बचाता है और मोटर तुरंत बंद करता है। नंबर 3, अगर कोई फेज ना आए तो तुरंत ये मोटर को बंद कर देता है। नंबर 4, अगर कोई फेज रिवर्स वोल्टेज आ रही है तो बंद कर देता है। और 5वां, जैसे ये ठीक हो जाता है तो मोटर को वापस ऑटोमेटिकली ऑन टाइम डिले के बाद ऑन कर देता है। इसमें दिए गए हैं 3 मोड, सबसे नीचे है बाईपास मोड, बीच में है SPP मोड और सबसे ऊपर है ऑटो मोड। ये मोड समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, बिकॉज इन मोड से आपको बहुत बेनिफिट मिल सकता है। पहला मोड है बाईपास मोड। बाईपास मोड में आपका ऑटो स्विच समझी नहीं लगा, आपको कुछ भी चेक करना है तो आपको बाईपास करिए और आप मैनुअल को नॉर्मल चलाइए, ये मतलब बाईपास हो गया। नंबर 2 है SPP मोड। SPP मोड में ये आपकी मोटर को संपूर्ण सुरक्षा देगा, लेकिन मोटर को ऑन नहीं करेगा, ऑटोमेटिक ऑन नहीं करेगा। मतलब अगर आपकी मोटर में कोई भी फॉल्ट आएगा तो ये मोटर को बंद कर देगा, लेकिन फिर आपकी वेट करेगा, ऑन नहीं करेगा, आपकी वेट करेगा कि आप आए और मोटर को चलाएं, तो सुरक्षा देना। लास्ट है ऑटो मोड, सबसे ऊपर। इसमें वो मोटर की कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो मोटर को बंद कर देगा और वापस लाइन ठीक हो जाएगी, RYB वोल्टेज ठीक हो जाएंगे तो ये मोटर को ऑटोमेटिकली ऑन भी कर देगा। तो ये है ऑटो मोड। इसमें दिए गए हैं 4 इंडिकेशन। पहला है फेज रिवर्स या फॉल्ट, अगर कोई भी फॉल्ट जो मैंने आपको पहले 4 बताए, कोई फॉल्ट आएगा तो ये बत्ती जलेगी। एक है ऑन टाइम डिले का। ऑन टाइम डिले के फॉल्ट में मतलब ऑन कोई फॉल्ट नहीं है, जब मोटर ऑन होगी तो ये ऑन डिले अपना टाइम लेगा, जो कि इसका ऑन डिले है 30 सेकेंड। 30 सेकेंड ये डिले लेगा तो ये बत्ती जलेगी और इसके बाद आपकी मोटर ऑन हो जाएगी। और 4th है पावर ऑन, जब इसमें पावर आएगी तो ये पावर ऑन दिखाएगा। अब हम सीखते हैं इसमें कनेक्शन कैसे होंगे। कनेक्शन के लिए इसमें दी गई हैं 7 तारे, और 7 तारे होती हैं, पहली है R, दूसरी है Y, तीसरी है B, यानी कि L1, L2, L3, यानी लाल तार आप करेंगे इसमें, R में कनेक्शन, Y में करेंगे येलो में कनेक्शन और B में करेंगे ब्लू कनेक्शन, बहुत ही सिंपल है। फिर बच गई 4 तारे। अब 4 तारों में से जो 2 काली तार हैं इसको आप करेंगे हरे बटन में कनेक्शन, और जो बची हुई 2 स्लेटी तार हैं इनमें करेंगे आप, एक तो करेंगे लाल बटन में और एक करेंगे लाल तार L1 के पास, ठीक है। और किसी किसी स्टार्टर में आपको ये कनेक्शन थोड़े चेंज भी करने पड़ सकते हैं, उसके लिए आप इस दिशा निर्देश को ध्यान से पढ़ें और कनेक्शन करें। फिर भी अगर आपको कोई इश्यू आ रहा है तो आप हमारी तकनीकी सहायता जो नीचे दिए गए नंबर पर फोन कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं कि आप ड्यूअल स्टार्टर में कनेक्शन कैसे करेंगे। आपको दिखाने वाले हैं MDP 120 के अंदर कनेक्शन। MD 120 में आपको दिखा देता हूं, मोटिव का ये DOL स्टार्टर है,
ये है मोटिव का ड्यूअल स्टार्टर MD120। अब इस हम इसमें देखेंगे कि इसमें कनेक्शन कैसे करते हैं। ये है हरा बटन और ये है लाल बटन, आइए देखते हैं। ये अपना ड्यूअल ऑयल स्टार्टर है, इसमें हम M7G मोटिव का कनेक्शन करेंगे। इसमें सबसे पहले हम थ्री फेज लाइन जोड़ेंगे। थ्री फेज लाइन में ये अपना L1, ये लिखा हुआ है इसके ऊपर L1, L2 और L3, ठीक है। इसमें पहले हम L1 लगाएंगे। L1 लगा दिया मेन सप्लाई, फिर हम L2 लाएंगे, इसमें L2 लगाएंगे। ये हम लगा देंगे अपना L3। ये अपना मोटिफ M7G है, इसका ये अपना RY भी आ गया। ये अपना L1 L2 L3 पे लगेगा, R को L1 पे लगाएंगे हम। Y को L2 पे लगाएंगे। और P को L3 पे लगाएंगे। ये अपना तीनों फेज का RYB के साथ लग गया है। अब बच गया दो ग्रे तार, स्लेटी तार। स्लेटी तार हम लगाएंगे हरे बटन पे, स्टार्ट बटन पे जिसको हम बोलते हैं। स्टार्ट बटन, ये अपना स्टार्ट बटन है। इसके दो पॉइंट हैं, दोनों पॉइंटों पे किसी पे भी लगा सकते। ये अपना एक पॉइंट पे ये लग गया और दूसरे ही स्टार्ट पॉइंट पे हरे बटन पे, मतलब ये दूसरा ग्रे वायर लगा देंगे ऑटो स्विच पर। अब बच गए हैं RYB, ये तीन तार यहां लग गए और दो ग्रे तार यहाँ लग गए हैं अपने, और बच गए हैं दो तार। एक ब्लैक कलर का तार हम लगाएंगे स्टॉप बटन के इस पॉइंट पे, जहां से ये पॉइंट अपना L1 पे जा रहा है वायर, इस वायर को हम खोल देंगे। और जब हम खोलेंगे, खोलने के बाद ये जगह खाली हो जाएगी, तो हम यहाँ ब्लैक वायर लगा देंगे, काला तार ऑटो स्विच का। और जहां हमने ये तार खोली है ऑटो स्विच की, लाइन वन पे जा रही है, इस पे हम अपना ये वाला तार जोड़ देंगे और इस पे हम फिर टेप लगा देंगे। अभी हम मेन सप्लाई देंगे थ्री फेज की। अब सबसे पहले हम इस ऑटो को पावर मेन सप्लाई दे दी हमने थ्री फेज की। थ्री फेज की मेन सप्लाई देने के बाद हम मैनुअल में देखेंगे बाईपास फोन पे ऑन।
ये बढ़िया काम कर रहा है। अब हम इसको ऑटो में डालेंगे। ऑटो में दोबारा से आपको मेन पावर ऑफ करके मेन वो करके दिखाते हैं। इसमें सबसे पहले डिले का दिखेगा, डिले करने के बाद 30 सेकंड बाद ये अपना स्टार्ट हो जाएगा। ये अपना ऑटो स्विच ने अपना ऑटोमेटिक मोटर ऑन कर दिया है ऑटो में डालने के बाद। अब हम जैसे ही एक फेज पीछे से हम जैसे हमारा एक फेज में वोल्टेज कम है या एक फेज बिल्कुल नहीं है तो ये फोल्ट का बत्ती जलने के बाद स्टार्टर को बंद कर देगा। फिर हम क्या करेंगे, मतलब कि जैसे ही ये ऑटो में नहीं चलेगा, जैसे ही लाइट ठीक होगी ये अपने आप दोबारा से डिले का दिखा के फिर स्टार्ट हो जाएगा। ये स्टार्ट, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि मोटिफ में M7G में कनेक्शन कैसे किए जाते हैं और मोटिफ के 120 में कैसे कनेक्शन किए गए। फिर भी अगर आपको कोई सहायता की आवश्यकता हो तो आप हमारे तकनीकी सहायता नंबर पर फोन करें और समझें कि कनेक्शन कैसे किए जाएंगे। थैंक यू। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मोटिफ के अन्य प्रोडक्ट्स की जानकारी के लिए आप हमारे तकनीकी सहायता नंबर पर कॉल करें और वहां पे सेल से कनेक्ट करें। हमारे पास स्टार्टर और पैनल की विशाल श्रृंखला है, हर सिंगल फेज, थ्री फेज स्टार्टर पैनल्स, ऑटो स्विच, डीपीएम और कैपेसिटर। इसके लिए आप हमारे नंबर पे या वेबसाइट पे जाके हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।